इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को से आदम को बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और चारों तरफ अंधियारा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने जाति जाति के वन पशुओं को, घरेलू पशुओं को बनाया। उसने जाति जाति के पक्षियों को बनाया और उन्हें आशीष देकर कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और छठे दिन में परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य की रचना की और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उस मनुष्य का नाम आदम रखा। परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष और उनके फल बनाए थे और यहोवा ने आदम को ये आज्ञा दी कि वो सब वृक्षों के फल खा सकता है, लेकिन जो वृक्ष बारी के बीच में है उसका फल वो कभी ना खाए। और इस प्रकार परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि का निर्माण किया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान, उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान, वो खाली बर्तन था उसने अपना रूप बसाया। परमेश्वर हर रोज दिन के ठंडे समय में अदन की वाटिका में आदम से मिलता था। परमेश्वर ने देखा कि आदम के लिए पृथ्वी भर में ऐसा कोई सहायक नहीं जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उस पसली से स्त्री बनाया और वो भी जीवित प्राणी बन गई। परमेश्वर ने उस स्त्री का नाम हव्वा रखा। खुदा ने देखे तन्हा उसको हव्वा को बनाया। खुदा ने देखे तन्हा उसको हव्वा को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। शैता की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। शैता की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था।
शैतान ने अवसर पाकर उस स्त्री हव्वा को बहकाया और उसने वो फल खाया और आदम को भी खिलाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वो नग्न अवस्था में हैं और उन्होंने इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मोहब्बत खुदा की उसने फल भर में बुलाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना तारा बनाया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर का हुक्म तोड़ा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। जिस शांति और आनंद में वे परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में रहते थे, उन्हें वो छोड़कर जाना पड़ा। तब धीरे धीरे मनुष्य जाति संसार एवं शैतान के कामों में पड़ गई। वे बुरे काम, लूचपन एवं गंदे कामों में लग गई। वे शैतान के गुलाम हो गए। परमेश्वर ने योजना बनाई कि मानव जाति इस पाप के बंधन से स्वयं आजाद होने में असफल है। परमेश्वर ने योजना बनाई कि अब मैं अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजूंगा, वो मानव जाति को उनके सारे पापों से, उनकी बीमारियों से और मृत्यु के हर एक बंधनों को अपने ऊपर लेगा और उनको आजाद करेगा। तब परमेश्वर ने अपना बेटा, जिसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसका नाम सब नामों में ऊंचा है और वो एक नाम है यीशु नाम, उसे इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु मसीह मानव जाति की सारी बीमारी, सारे श्राप, पाप और मृत्यु के बंधनों को अपने ऊपर ले लिया और सूली पर चढ़ गया। अब हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? और हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? इस प्रकार यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और शैतान हार गया, उसकी योजना असफल हो गई। और इस तरह यीशु मसीह ने सूली पर चढ़कर मानव जाति को खुदा से मिला दिया। यीशु ने चढ़ के सूली पे